व्हाइट ड्रैगन के इस गांव में ये उनको अच्छे से बांध के कैद कर दिया गया है। वो उन लोगों पर चिल्लाकर कहता है, मुझ जैसे एक हैंडसम को तुम लोगों ने एक पिंजरे में कैसे कैद किया है? मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट मिलेगा। एक गांव वाला कहता है, हमारा ड्रैगन डिसाइड करेंगे कि किसे सजा दिया जाएगा। ये उन मन में कहता है, धत, इस कबीले के लोगों के पास तो ड्रैगन ब्लड है, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? वो गांव वाला योना और हक को व्हाइट ड्रैगन तक जाने का रास्ता दिखा रहा था। यून गुस्से में कहता है, तुम लोग इतने आसानी से यहाँ कैसे घूम पा रहे हो? वो गांव वाला कहता है, मुझे माफ कर दीजिए आपके साथी को ऐसे रखने के लिए, उसे बाहर आने दो, हमारी मेहमान एक लाल बालों वाली है। यून को छोड़ दिया जाता है। वो हक से पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? हक कहता है, राजकुमारी को देखते ही उनका एटीट्यूड बदल गया, पर वो उसे राजकुमारी नहीं बल्कि कुछ और मानते हैं। लेजेंड्स के युग से व्हाइट ड्रैगन उन चार ड्रैगन्स में से एक है जो यहाँ रहते थे। जंग में अपना कर्तव्य समाप्त करने के बाद अब तक हम बाहर वालों को खत्म करते आ रहे हैं जो यहाँ आके व्हाइट ड्रैगन की शक्ति को पाने का कोशिश करते है। हमारा कबीला व्हाइट ड्रैगन की रक्षा करता है तो हम बाहर वालों को यहाँ अलाउ नहीं करते हैं। वो गांव वाला ये सब कह रहा था कि गांव के दूसरे लोग योना की सुंदरता से अट्रैक्ट होके उसे घेर लेते हैं। उन्हें उसका लाल बाल बहुत शानदार लगता है। वो गांव वाला कहता है, लाल बाल हमारे कबीले के लोगों के खास यादों को उजागर करता है क्योंकि पहले व्हाइट ड्रैगन ने एक लाल बाल वाले मास्टर का सेवा किया था। हो सकता है कि वो तुम हो जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या नहीं भी। यून कहता है, अगर वो नहीं हुई तो आप हमारे साथ क्या करेंगे? हमें इस जगह के बारे में पता चल चुका है। वो गांव वाला कहता है, वो जो भी हो तुम्हें व्हाइट ड्रैगन से मिलना होगा। यून हक से कहता है, ए थंडरविस्ट, मुझे बचा लेना। हाँ, हक कहता है, मुझे नहीं पता। योना पूछती है, व्हाइट ड्रैगन में स्पेशल क्या है? क्या ये सभी गाँव वाले व्हाइट ड्रैगन के वंशज नहीं है? वो गांव वाला कहता है, सही कहा, पर एक ही गांव वाले को व्हाइट ड्रैगन का पावर मिलता है। वो एक ड्रैगन के साथ पैदा होता है जो उसके राइट हैंड में रहता है। घर में व्हाइट ड्रैगन कहता है, पता नहीं क्यों पर आज मेरा राइट हैंड दर्द कर रहा है। दादी माँ डर जाती है ये सोचकर कि व्हाइट ड्रैगन को कोई चोट आ गया है। फिर व्हाइट ड्रैगन कहता है, ये सीरियस नहीं है। ये सुनकर दादी माँ शांत हो जाती है। व्हाइट ड्रैगन दादी माँ से कहता है, बचपन से आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है जबकि मुझे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। मुझे पता नहीं मैं इस पावर को कब और किस लिए यूज करूँगा। दादी माँ कहती है, समय आते ही तुम्हें वो इंसान मिल जाएगा जिसके लिए तुम्हें इसे यूज करना है। हो सकता है कि इस युग को तुम्हारी जरूरत ना हो, पर मुझे पता है कि नेक्स्ट व्हाइट ड्रैगन या उनके बाद वाले व्हाइट ड्रैगन अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूज जरूर करेंगे। वैसे व्हाइट ड्रैगन, तुम 20 साल के हो चुके हो, तुम्हें कुछ बीबियां बना लेना चाहिए। व्हाइट ड्रैगन कहता है, बस एक ही चलेगी। दादी माँ ये सुनकर उस पे गुस्सा हो जाती है। व्हाइट ड्रैगन कहता है, आज हमारा गांव बहुत खिला खिला लग रहा है। दादी माँ कहती है, क्योंकि आज कुछ बाहर वाले आए है, वो बहुत अलग है, गाँव वाले उन्हें घेरे हुए है। मैंने सुना है कि उनके साथ एक प्यारी लड़की भी है। व्हाइट ड्रैगन कहता है, तो क्या हुआ, हमें लड़की आतंकवादी से भी सतर्क रहना चाहिए। मैं अपनी शक्ति को एटलीस्ट इस गांव को बचाने के लिए यूज कर सकता हूँ। योना हक से कहती है, ये एक निराला चीज है। जब एक बच्चा व्हाइट ड्रैगन के शक्तियों के साथ पैदा होता है तब ड्रैगन का खून पिछले व्हाइट ड्रैगन से चला जाता है, यानी ब्लड लाइन का मेंटेन होना जरूरी है जब तक ड्रैगन पावर की फिर से जरूरत ना हो, और मैं वो शक्ति उधार लेने आई हूँ। हक पूछता है, तो क्या हमें आशा छोड़ देना चाहिए? योना उसका तलवार निकाल कर कहती है, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर व्हाइट ड्रैगन हमारी मदद ना करे तो तुम्हें मुझे और भी ज्यादा ट्रेन करना होगा। इस टाइम व्हाइट ड्रैगन पूरे गुस्से में योना की ओर बढ़ रहा था। वो कहता है, ए लड़की। योना उसे देखने के लिए पीछे मुड़ती है। उसे देखने के बाद व्हाइट ड्रैगन का खून गर्म होने लगता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, अब से तुम हमारा आधा हिस्सा हो।
तुम हिरियु को अपना मास्टर मानकर उनका सेवा करोगे, अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचाओगे, तुम उन्हें हमेशा प्यार करोगे और कभी धोखा नहीं दोगे। ये सुनकर व्हाइट ड्रैगन समझ जाता है कि योना ही उसकी मास्टर है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। बचपन के उसके पापा ने उसे कहा था कि जा, लेजेंड्स के युग में ड्रैगन वॉरियर्स राजा हिरियु को बचाने के लिए पैदा हुए थे। राजा फिर से आएंगे और उन्हें तुम्हारी ताकत की जरूरत होगी। व्हाइट ड्रैगन पूछता है, पापा मैं अपने राजा को कैसे पहचानूंगा? उसके पापा कहते हैं, उनसे मिलते ही तुम्हारा खून ही उन्हें ढूंढने लगेगा, तुम्हें एक चमकता रोशनी दिखेगा। इधर सब देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन का हाथ जल रहा है। व्हाइट ड्रैगन योना को देखकर बहुत खुश होता है और नीचे झुककर कहता है, मैं आपका इंतजार कर रहा था मेरे मास्टर। योना कुछ समझ नहीं पा रही थी। बाकी गांव वाले भी झुककर उसे सम्मान देते हैं। वो गांव वाला कहता है, बधाई हो व्हाइट ड्रैगन, हमारे राजा हमें मिल गए। योना से कहता है, शायद वो तुम्हें राजा हिरियु समझ रहे हैं तुम्हारे लाल बाल के वजह से। व्हाइट ड्रैगन कहता है, मास्टर मुझे अपना नाम बताइए। योना उसे अपना नाम बताती है। फिर वो उसके लुक्स को देखकर कहती है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। सुनो, मैं तुम्हारा राजा या मास्टर नहीं हूँ, मैं एक स्वार्थी हूँ जो खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए भगवान की शक्ति की तलाश में है। मुझे बाकी 3 ड्रैगन्स की भी तलाश है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? व्हाइट ड्रैगन कहता है, चाहे आपका गोल कैसा भी हो, मैं अब आपका ड्रैगन हूँ। एल्डर, मैं अभी के अभी ये जगह छोड़ के मेरे मास्टर के साथ जाना चाहता हूँ। तभी दादी माँ आकर कहती है, हमें एक दावत की इंतजाम करना चाहिए राजा हिरियु के आने की खुशी में, जल्दी जाकर प्रिपरेशन करो। दादी माँ योना को अच्छे से देखकर कहती है, लाल बाल वाले राजा, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। शानदार तरीके से उड़ते हुए लाल बाल, चालाक और प्यारी आंखें, कोमल त्वचा, अफसोस तुम्हारे पास वो कुछ नहीं है। गांव के लोग दावत के इंतजाम में लग जाते हैं। यून कहता है, इक्सु का भविष्यवाणी सच हुआ, पर मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे साथ इतने आसानी से आएगा, और ये बंदा मुझे डरा रहा है पूरे समय ऐसे मुस्कुरा के। हक कहता है, मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मैं ये सुनकर एक्साइटेड हूँ कि राजकुमारी अब एक गॉड के साथ लड़ाई करेगी। योना कहती है, फिर से मजाक उड़ा रही हो ना। अपने कमरे में बैठकर व्हाइट ड्रैगन अपने आप से कहता है, मेरा बावा हाथ और शरीर अभी भी गर्म है, जिस क्षण मैंने उसे देखा मेरा खून उबलने लगा और ड्रैगन की आवाज मेरे आत्मा में गूंजने लगी। बचपन से मुझे कहा गया था कि मैं अपने कबीले का आशा हूँ। इस टाइम हक यह कुछ ढूंढते हुए पूछता है, क्या यहाँ यात्रा में लेने लायक कुछ सामान है? व्हाइट ड्रैगन उस पर पूरा गुस्सा हो जाता है। वो उससे सोने के सिक्के देखकर कहता है, ये लो और ये गांव छोड़कर चले जाओ, अब से सिर्फ मैं ही राजकुमारी की रक्षा करूंगा। यून व्हाइट ड्रैगन और हक को एक साथ आते हुए देखता है। वो दोनों झगड़ने लगते हैं। हक कहता है, व्हाइट ड्रैगन मुझे ये जगह छोड़ के जाने के लिए पैसे ऑफर कर रहा था। यून पूछता है, तुम्हारा पेट फूला हुआ क्यों है? हक कहता है, शायद मैं मोटा हो गया हूँ। व्हाइट ड्रैगन कहता है, राजकुमारी को प्रोटेक्ट करना ड्रैगन्स का काम है, जो ड्रैगन नहीं है उन्हें चले जाना चाहिए। योना कहती है, नहीं, हक मेरा बचपन का साथी है, कैसल से आने के बाद से ही वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए खास है और मैं हक को अपने साथ रखना चाहती हूँ। हक मन ही मन खुश होता है। योना वो पैसे वापस देते हुए कहती है, पर मुझे तुम्हारी भी जरूरत है, वरना हक मुझे प्रोटेक्ट करते करते मर जाएगा। व्हाइट ड्रैगन कहता है, ओ तो आपको इसलिए मेरी मदद चाहिए क्योंकि वो कमजोर है? ठीक है, मैं आपको और इस आदमी को प्रोटेक्ट करूंगा। हक कहता है, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि मुझे एक सफेद सांप बचाएगा। व्हाइट ड्रैगन कहता है, क्या तुमने अभी एक पवित्र ड्रैगन को सांप बोला? रात को सब दावत का मजा लेते हैं। ये इन कबीले वालों के लिए खुशी का दिन है क्योंकि वो सब कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुबह गांव वाले व्हाइट ड्रैगन से कहते हैं, हमें लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाओगे। व्हाइट ड्रैगन कहता है,
मेरे मास्टर को मेरी जरूरत है, जिस काम के लिए हम ड्रैगन से इंतजार करते आ रहे थे। अगर मैं मर भी जाऊँ तो एक नया व्हाइट ड्रैगन जन्म लेगा। गांव का एल्डर रोते हुए कहता है, ऐसी बातें मत बोलो इडियट व्हाइट ड्रैगन। इसके बाद दादी माँ आकर उसे महीने भर के सामान के साथ एक लड़की देती है और कहती है, तुम्हारे जाने के बाद एल्डर इस गांव की रक्षा करेंगे, पर दुख है कि कल सुबह मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी। लगा नहीं था कि ये इतने अचानक हो जाएगा। व्हाइट ड्रैगन कहता है, दूर रहकर भी मैं अब सबके खुशी के लिए प्रार्थना करूंगा। आपको अपने शरीर को आराम देना चाहिए दादी माँ। दादी माँ कहती है, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे जीने के लिए मेरे पास बहुत कम समय है। मैं उतना भी नहीं जी हूँ। जब तुम अपना कर्तव्य पूरा करके वापस आओगे तब मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी। ये सुनकर व्हाइट ड्रैगन उन्हें हक कर लेता है। इसके बाद ये चारों बाकी ड्रैगन्स को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। व्हाइट ड्रैगन कहता है, मैं उनका पता लगा सकता हूँ। हमारा खून हमें एक दूसरे का सिग्नल देता है। हक कहता है, चलो पहले पहाड़ी के नीचे चलते हैं। योना पूछती है, वैसे व्हाइट ड्रैगन सब तुम्हें व्हाइट ड्रैगन बुलाते हैं, पर तुम्हारा असली नाम क्या है? व्हाइट ड्रैगन मन में कहता है, मुझे लगा कोई भी मुझे मेरे पेरेंट्स के दिए गए नाम से नहीं बुलाएगा। वो कहता है, प्लीज मुझे कीजा बुलाइए। योना कहती है, कीजा ये एक अच्छा नाम है। यून उन्हें कहता है, जल्दी आओ, अगर गप्पे मारते रहोगे तो हम तुम्हें पीछे छोड़ के चले जाएंगे।